हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का अंदर और बाहर दोनों तरफ धमाकेदार आगाज हो गया है। विधानसभा के अंदर जहां विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर वॉकआउट कर दिया, तो वहीं सदन के बाहर महिला कांग्रेस ने अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। महिला कांग्रेस ने भारी संख्या में विधानसभा के बाहर इकट्ठा होकर बीजेपी विधायक हंसराज की गिरफ्तारी की मांग की है। अलकन लामा ने कहा कि भाजपा बूथ अध्यक्ष की बेटी ने भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ शिकायत दी। FIR भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। अलकन लामा ने कहा कि जब तक विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक महिला कांग्रेस इस तरह से प्रदर्शन करती रहेगी। हम पुलिस से पूछने जा रहे हैं कि FIR के बाद क्या भाजपा के इस विधायक हंसराज की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, हुई या नहीं हुई, पूछताछ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, हुई के नहीं, उसके फोन जब्त किए जाने चाहिए थे, ये सारी चीजें, और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था। ये चीजें एक आम नागरिक के तौर पर मुझे बताने की जरूरत नहीं थी ना। पुलिस में जो अधिकारी इसकी जाँच कर रहे हैं, अब उन्हें हम घेरेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बेटी भारी दबाव में है, बेटी पर दबाव है कि मामला FIR रफा दफा करके मामला वापस ले ले, लेकिन ये मामला वापस नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल ही अपने परसों भाषण में कहा FIR होगी, नए कानून आ गए हैं, अब जो शिकायत लिखी जाएगी उसकी धाराओं में बदलाव नहीं होगा। तो बेटी ने FIR की है, बेटी ने FIR की है, भाजपा का पूरा परिवार भाजपा की उस बेटी के साथ, हिमाचल की बेटी के साथ नहीं खड़ा हुआ, अपने आरोपी विधायक के साथ खड़ा है बेटी पर दबाव है मामला वापस लेने का। हम ये मामला वापस नहीं होने देंगे, अब तो जांच होगी, अब जांच होगी और पूरी जांच जल्द हो, सबूत नष्ट हमें उम्मीद कर दिए गए होंगे। जब आपने दोनों का, बेटी का और विधायक का फोन जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा होगा, और उसमें क्या था क्या नहीं था, क्या हटाया गया क्या नहीं, अगर आपने नहीं किया तो पुलिस पे किसका दबाव था? क्या पुरानी सरकारों का कोई दबाव है? बेटी पर दबाव समझ आ रहा है कि पूरा भाजपा उस पे दबाव बनाकर उससे FIR वापस कराना चाहता है। हम सरकार से मांग करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, मांग ये कि बेटी को सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें कि भाजपा विधायक के खिलाफ उसी की विधानसभा क्षेत्र की भाजपा बूथ अध्यक्ष की बेटी ने FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि बीजेपी विधायक हंसराज उससे चैट पर अश्लील बातें करता है। वहीं FIR दर्ज कराने के 10 दिन बाद लड़की ने अपने आरोपों से यू टर्न ले लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।